सागर जिले में 75.69% मतदान। रहली में सबसे अधिक, सागर में सबसे कम, देवरी में पुलिस SI का सिरफोड़ा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए शुक्रवार सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हुई, जो शाम 6 बजे तक चली। सागर जिले की 8 विधानसभा सीटों पर शाम 6 बजे तक 75.69% मतदान हुआ है, जबकि वर्ष 2018 के विधानसभा चुनाव में सागर जिले में 73.11% मतदान हुआ था। इस बार 2.42% मतदान ज्यादा हुआ है। रहली विधानसभा में सबसे ज्यादा 79.83% मतदान हुआ है। वहीं सबसे कम वोटिंग सागर विधानसभा में 66.74% हुई है। इसके अलावा बीना में 74.99%, खुरई में 79.44%, सुर्खी में 75.97%, देवरी में 79.4%, नरियावली में 70.91%, बंडा में 77.85% मतदान शाम 6 बजे तक हुआ है। जिले की 8 विधानसभा सीटों पर 77.07% पुरुष और 73.1% महिला मतदाताओं ने वोटिंग की है। देवरी में SI पर हमला सिर फूटा। सागर की देवरी विधानसभा क्षेत्र के सेक्टर 13 में ड्यूटी पर तैनात SI निशांत भगत पर बदमाश ने हमला कर दिया। घटनाक्रम में SI के सिर में गंभीर चोट आई है, जिन्हें देवरी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद सागर रेफर किया गया। मामले में पुलिस आरोपियों की धरपकड़ कर रही है। जिले में 2118 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, जिसमें 597 संवेदनशील हैं। वहीं 58 आदर्श मतदान केंद्र और 227 महिला मतदान केंद्र बनाए गए हैं। सागर जिले की 8 विधानसभा सीटों में से इस बार कांग्रेस और भाजपा के बीच सीधा मुकाबला है। वहीं बंडा विधानसभा सीट पर आम आदमी पार्टी भी दम दिखा रही है, जिससे यहां त्रिकोणीय मुकाबला नजर आ रहा है। मतदान के चलते सुरक्षा के लिहाज से जिले में सुरक्षा इंतजाम बढ़ाए गए हैं। मतदान के लिए जिले में 8000 से अधिक पुलिस फोर्स तैनात किया गया है। रहली में भाजपा कार्यकर्ताओं पर मारपीट का आरोप। सागर के रहली विधानसभा के गढ़ा कोटा में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भाजपा कार्यकर्ताओं पर पिटाई करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि फर्जी मतदान रोकने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने मारपीट किया है। मामले के तुल पकड़ने के बाद कांग्रेस प्रत्याशी ज्योति पटेल भी गढ़ा कोटा पहुंची। उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ पैदल मार्च निकाला। इसके बाद सागर कलेक्टर और SP भी मौके पर पहुंचे। 65,000 से अधिक मतदाता पहली बार डालेंगे वोट। सागर जिले की 8 विधानसभा सीटों पर मतदान शुरू हो गया है। सबसे पहले सुबह 5:30 बजे मॉक पोल की प्रक्रिया शुरू की गई। जिले में कुल 17,82,725 मतदाता है। इनमें पुरुष 9,37,328, महिला 8,45,365 और 32 अन्य मतदाता शामिल हैं। 8 विधानसभा क्षेत्रों में 2,118 मतदान केंद्र हैं। इनमें सबसे अधिक 300 रहली विधानसभा क्षेत्र में हैं। बीना में 232, खुरई में 253, सुर्खी में 271, देवरी में 255, नरियावली में 268, सागर में 248 और बंडा में 291 मतदान केंद्र हैं। जिले में 1,408 मतदान केंद्र ग्रामीण और 710 मतदान केंद्र शहरी क्षेत्र में हैं। सबसे अधिक 2,48,128 मतदाता बंडा विधानसभा क्षेत्र में हैं। इसके अलावा बीना में 1,90,765, खुरई में 2,13,663, सुर्खी में 2,24,335, देवरी में 2,16,374, नरियावली में 2,37,242, सागर में 2,08,843 और रहली में 2,43,398 मतदाता मतदान करेंगे। जिले में 18 से 19 आयु वर्ग के 65,734 युवा मतदाता पहली बार वोट डालेंगे। जिले में क्रिटिकल मतदान केंद्रों की संख्या 597 है, जिनमें से 585 वेबकास्टिंग की जा रही है। विधानसभा क्षेत्रों के मतदान केंद्रों में 234 माइक्रो ऑब्जर्वर की तैनाती की गई है। 12 क्रिटिकल मतदान केंद्रों की वीडियोग्राफी करवाई जा रही है। पिछले चुनाव का सीट वाइज वोट प्रतिशत। सागर जिले में वर्ष 2018 के विधानसभा चुनाव में 73.11% मतदान हुआ था। इसमें बीना विधानसभा में 73.5%, खुरई में 81.25%, सुर्खी में 75.48%,
देवरी में 74.39, रहली में 76.14, नरियावली में 66.40, सागर में 64.52 और बंडा विधानसभा में 74.48% मतदान हुआ था। इसमें पुरुष मतदाताओं ने 75.28% मतदान किया था, वहीं महिला मतदाताओं ने 70.64% वोट डाले थे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।